दोस्तों नॉर्मल स्मार्ट वॉच आप सभी ने देख रखी होगी, लेकिन आज वाली वीडियो में हम लोग ऐसे स्मार्ट वॉच के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देख के आपको पटकने का मन कर सकता है, क्योंकि ये एक रगेड वॉच है, मतलब एडवेंचर स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं फायरबोल्ट कोबरा के बारे में, और ये वॉच सबसे सस्ती रगेड वॉच है। 3 यूनिट पड़ेगी, 1 यूनिट टेस्टिंग के लिए, 1 यूनिट अनबॉक्सिंग के लिए, और 1 यूनिट आप लोग के लिए। क्या पता टेस्टिंग में सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि हम लोग इस वाली वीडियो में कुछ क्रेजी करने वाले। स्टार्ट करते हैं पहले अनबॉक्सिंग से। पहला तो एक ग्रीन कलर है अपने पास, दूसरा ये ऑल ब्लैक है, और ये है मिलिट्री वाला। तो भाई पहले इसको खोलते हैं। वॉच फर्स्ट इंप्रेशन में पूरा रगेड वाला फील देती है, और इन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन फॉलो किया है काफी तगड़ा सा लग रहा है भाई। ओके, ब्लैक वाला देखते हैं एक बार, और ये है इनका ब्लैक कलर। भाई ऑल ब्लैक तो बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जेट ब्लैक कलर यूज किया है ये सिलिकॉन वाले स्ट्रैप के ऊपर, और ये वाली वॉच सच में काफी तगड़ी लग रही है। बीच वाला प्लास्टिक है, साइड वाला मेटल है भाई, और ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी मेटल है। देखो भाई फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ चुकी है, और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। बॉक्स के अंदर फायरबोल्ट के खूब सारे आप कागजात मिल जाएंगे, ये पोगो पिन वाला चार्जर मिल जाएगा आपको। मैग्नेट तो बड़ा अच्छा है इसका यार, हल्का हल्का होल्ड कर ले रहा है इतनी भारी वॉच को। ब्लैक वाला 56 ग्राम का है, और एक बार अगर ब्लैक ट्राई करता हूँ मैं इस पे। इसका स्ट्रैप थोड़ा सा थिक फील हो रहा है, ऐसे क्रिस क्रॉस डिजाइन बने हुए रगेड वाला फील दे रहे हैं। डिजाइन सिमिलर है, बस पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। इवन वॉच के अंदर आपको एक्स्ट्रा वॉच फेस मिले, ताकि ये मिलिट्री वाला पूरा फील आए। मिलिट्री वाले पे ये वाला वॉच फेस कुछ ऐसा देखने को लगने वाला है भाई, सही लग रहा है। लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई पूरा फुल व्यू कैप्चर कर रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कौन सा ज्यादा अच्छा है, एक बार टीम से पूछते हैं। सबसे पहले मुमताज से पूछते हैं, कौन सा भाई बढ़िया तो ये लग रहा है? कौन सा, ये वाला आर्मी वाला? हाँ। मैं ग्रीन, ग्रीन वाला। हाँ देखो ज्यादा सेक्सी लग रहा है। ओके भाई कौन था? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला क्यों? गजब यार, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मेरा भी फेवरेट ब्लैक वाला ही है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लैक वाला सबसे ज्यादा अच्छा। लास्ट वोट अपने विनय भाई से कर लेते हैं। मुझे जैसे अगर नॉर्मल पहनना होगा तो मैं ये चूज कर सकता हूँ। सपोज को आप स्कूटी पे चला रहे हो, और आपका स्क्रिप्टेड था, तो सबसे पहले नॉर्मल वेस्ट हाइट से गिराते हैं, फ्रंट से गिरा रहे हम लोग। आवाज तो काफी तगड़ी आई है, और ये कॉन्क्रीट की रोड है भाई, ये मिट्टी विट्टी नहीं है। और अभी इसके ऊपर जैसे सरवाइव कर लिया, थोड़ी सी हाइट अभी और बढ़ाते हैं। इस पे एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटीज की बनाई इन्होंने, तो टेस्टिंग को और थोड़ा एक्सट्रीम करते हैं। टेक टू, अभी मजा नहीं आया दोस्तों। 3 बार इसके ऊपर मैंने ड्रॉप किया है, क्या वॉच बच पाएगी दोस्तों? एक्चुअल में इसके फ्रंट पे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे काफी सारे स्क्रैचेस आ गए, इवन कि इसके सेंसर में भी स्क्रैचेस आ गए। लेकिन भाई स्क्रैच बहुत ज्यादा हेवी वाला है, क्योंकि पूरा कंक्रीट का रोड है इसीलिए, अदरवाइज अगर मिट्टी विट्टी पे हो रहा है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा इसको। तो डेफिनेटली इसने अपना पूरा एक्सट्रीम टेस्ट पास किया है, लेकिन अभी भी हमारा मन नहीं भरा है दोस्तों। हम लोग करेंगे एक और एक्सट्रीम टेस्ट अपने प्रोफेशनल प्लेयर के साथ। पूरा स्किड कराया इसके ऊपर हम लोग ने, अभी काफी प्रोफेशनल बन गए। स्ट्रैप की हालत एक्चुअल में काफी खराब हो गई है, यहाँ से फट गया है, इसका बकल हट गया यहाँ से, लेकिन एक्चुअल में वॉच की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, ऑनेस्टली मुझे लगता है नॉर्मल वाला एप्पल वॉच जितना नहीं सह पाएगा, उसके डिस्प्ले में डेफिनेटली क्रैक आ सकता है, लेकिन इसका जो रगेड बिल्ड है ना बहुत तगड़ा बनाया इन्होंने। आई एम एक्सट्रीमली अमेज्ड। डिस्प्ले के बारे में बात करें, 1.78 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले मिली आपको, और इसकी जो ब्राइटनेस है डेफिनेटली 500 nits बोल रहे हैं ब्रांड, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम लगी ब्राइटनेस। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं आउटडोर में, तो डेफिनेटली वॉच की डिस्प्ले काफी अच्छी है। और डिजाइन के बारे में बात करें, देखते हैं पूरा पूरा एक रगेड वॉच लगता है, और भाई कूल लगता है बहुत ज्यादा। अगर आपको इस टाइप का डिजाइन पसंद है तो डेफिनेटली फायरबोल्ट ने बहुत तगड़ा डिजाइन बनाया मेरे हिसाब से। और देखो वॉच पूरी पूरी स्मूथ है, 60 Hz का पैनल यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको 2 बटन सिस्टम मिलता है, नीचे वाले बटन से स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाते हैं। एक बार रनिंग ट्राई करते हैं, जिस वाले वॉच पर मैं टेस्टिंग की थी एक्चुअल में इस पर ट्राई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई ये भी देखते हैं चल रहा है कि नहीं। हेलो भाई रनिंग, इसको ऐसे हाथ में पकड़ लेना, वो पैर छू के आना। 1 2 3 चश्मा नहीं पहना था तो विनिंग लाइन दिख नहीं मुझे, हार्ट रिपीट कर लिया इसने, और ये वाली भी काम कर रही है। ये लो विनिंग ट्रॉफी भाई, तो बताया था मेरा ही है। देखो सबसे पहली बात, फायरबोल्ट ने अपनी वेबसाइट मेंशन कर रखा है, ठंडे में, गर्म में, एक्सट्रीम वेदर में, ह्यूमिडिटी में, हर जगह पे इन्होंने टेस्ट कर रखा है। तो भाई हम जा रहे हैं अपने किचन में, और अभी 3:26 हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहा है, मतलब 1.5 घंटे हो चुके हैं। तो एक बार अपना वॉच निकाल लेते हैं भाई, वॉच तो अपनी जम चुकी है।
क्या ये सरवाइव कर पाई है दोस्तों? वॉच का टच आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, बहुत आराम से सरवाइव कर लिया इसने। डेढ़ घंटे हमने इसको फ्रीज किया, अब इसको करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म अपने कैटल में। और अब अपना हीटिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, अभी 459 हो रहा है ना, देखते हैं कैटल कितना गर्म करता है इसको। इसके बॉयल होने की आवाजें आ रही है, अंदर देखते हैं क्या चल रहा है, वेट करते हैं। वाटर एक्चुअल में पूरा पूरा बॉयल कर रहा है भाई, और एकदम गर्म से हो रहा है, गर्म लग रहा है बहुत ज्यादा। दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है भाई, टच भी काम सही से कर रहा है वैसे तो, बस वॉच बहुत ज्यादा गर्म सी हो रही है। वैसे इसका ऊपर वाला बटन थोड़ा सा जैम सा हो रहा है, बस ये ऊपर वाला बटन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, नीचे वाला तो भाई दब रहा है, मस्त दब भी नहीं रहा, कुछ तो दिक्कत है। अब ये ऊपर वाला बटन में काम करने लग गया दोस्तों, देखो मस्त, नीचे वाला भी, बस टैक टैक आवाज नहीं आ रहा है इसमें। सो अपने वॉच ने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, और यही वाला जो यूनिट है आप सभी को गिवे में जाने वाला है। और गिवे रूल्स के बारे में बात करें बहुत सिंपल है, इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपको इंस्टा पे डालेंगे हम लोग, आके रिजल्ट निकाल दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये दूसरा वाला यूनिट भी हम लोग गिवे कर सकते हैं, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में। और अब बात करते हैं वॉच के बारे में। सबसे पहली बात, वॉच जो डिस्प्ले बहुत ज्यादा कमाल बनाई इन्होंने, सिंस ये एक रगेड वॉच है, रगेड वॉच में बहुत ज्यादा अच्छा हिल ट्रैकिंग चाहिए आपको। लेकिन इसका डिजाइन देख के मुझे फील आ रहा है कि आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। डिजाइन सेंस सच में से काफी अच्छा है, वैसे रोबोटिक वाला फील आएगा, मार्वल टर्मिनेटर जनरेटर सबका फील आएगा। हेल्थ वेल्थ की बात होगी, यहाँ पे आपको एक स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है, और यहाँ पे है हार्ट रेट, वो चेक कर लेते हैं, लेकिन ये चेक हम लोग अपने कलाइयों पे बाद में करेंगे, पहले करेंगे टेबल टेस्टिंग। सर्वाइव कर पाएगा टेबल टेस्टिंग? ओ भाई, इसने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा टेबल टेस्टिंग, तब क्या टेस्ट करते हैं दोस्तों। धक 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 धक, उसको लगे तकिया में भी दिल है, धक धक भाई, दिल की धड़कने नाप नहीं पा रहा, लेकिन टाइम जरूर लिया इसने काफी ज्यादा। भाई ले लो या दे दो प्लीज, कुछ तो कर दो। दोस्तों हमने ट्राई करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन ये बोलता भी नहीं है कि भाई काटो मत, लंबी लंबी सांस लेंगे। अभी उन्होंने रनिंग वाला मोड ऑन कर दिया, यहाँ पे बीपीएम आ रहा है, एक बार अपना प्रोफेशनल दोस्त लगा लेते हैं, कभी ऑक्सीमीटर, और दोनों की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 86 आ भी चुका है अपना, 102 आ चुका है ऑक्सीमीटर में। अभी अपना वॉच रियल टाइम टेस्टिंग कर रहा है, और ऑक्सीमीटर में 96 आ चुका है, वॉच में 94, 95, 96 के राउंड आ रहा है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि वॉच एक्यूरेट तो है, लेकिन इसका हार्ट रेट सेंसर थोड़ा स्लो लगा मुझे, मतलब और फास्ट कर सकता था ये ट्रैक। वैसे आपको हमेशा कहता हूँ स्मार्ट वॉच पे आपको इमरजेंसी वाली कंडीशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, भगवान ना करे अगर कोई इमरजेंसी है दोस्तों सीधा डॉक्टर के पास जाइए। वॉचेस पे बस जिम में और थोड़ा मजे लेने के लिए ट्रैक कर सकते हो आप। इस रिजिड डिजाइन के अंदर आपको कॉलिंग फीचर ही मिल रहा है, ये दोनों बटन के बीच में है माइक, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसका स्पीकर है, और कॉलिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है। सबसे पहले द फिट एप्लीकेशन आता है फायर बोल्ट वॉचेस के अंदर, इससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको जाना है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में, और आपके ब्लूटूथ आपको दो कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद देखो मेन्यू में जाते हैं, और देखो यहाँ पे इसका कॉलिंग फीचर, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, मैंने 3 कॉन्टैक्ट सिंगर रखा, एक बार मुमताज को कॉल करते हैं क्या काम चल रहा है देखते हैं। उन्होंने भी कॉल लग चुका है, देखो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त काम नहीं हो रहा है क्या भाई? माधव को कॉल करते, छोड़ो। क्या हाल है भाई? मैं भी ठीक हूँ। वैसे आवाज कैसी आ रही भाई? अच्छी आवाज आ रही है। क्या चीज से बात कर रहे हो? फायर बोल्ट का जो नया वाला वॉच है ना कोबरा, इसी से बात कर रहा हूँ, कोबरा से। अच्छी आवाज आ रही है क्या? हाँ, लिटरली बहुत अच्छी आ रही है। स्पीकर का अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ थोड़ा सा, अब आवाज बहुत परफेक्ट आ रही है, मतलब ये वाली आवाज बस मैं ही सुन सकता हूँ, आजू बाजू वालों को पता नहीं चलेगा, तो आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहेगी। देखो भाई जब कॉल आता है आपके मोबाइल पे तो यहाँ पर भी कॉल आ जाएगा, यहाँ से आप ऐसे उठा सकते हो, कॉलिंग बहुत अच्छी है। एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर से स्क्रॉल करोगे कंट्रोल पैनल आ जाएगा, नीचे से स्क्रॉल करोगे आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मेन्यू के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे मोस्टली। तो अगर एक म्यूजिक प्ले करते हैं, अभी म्यूजिक वॉच में प्ले हो रहा है, और वॉच का यही भी फीचर है, ये वाला कॉलिंग फीचर को आप ऑफ भी कर सकते हो। कॉलिंग फीचर ऑफ करने के बाद अगर आप म्यूजिक क्या होगे, और अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें, ब्रांड क्लेम कर रहा है 15 डेज की बैटरी लाइफ चल जाएगी आपको। देखो 15 डेज की बैटरी लाइफ मैंने भी चेक नहीं किया है, अगर आप कॉलिंग यूज करोगे तो 3 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी मैक्सिमम, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कॉलिंग फीचर अगर आप ऑफ रखते हो तो बैटरी आराम से 7-8 डेज मिनिमम चल जाएगी। तो ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, देखने में काफी सही से लग रहा है आपको, आराम से इसका टाइमिंग पर चल जाएगा, लेकिन इसको ऑन करने के बाद बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होगी, तो आपको देख के ऑन करना पड़ेगा। बाकी छोटे मोटे फीचर आपको मिल जाएंगे, लो पावर मोड है इसके अंदर, थिएटर वाला मोड है, थिएटर में हो क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, तो थिएटर मोड ऑन कर लो। इसकी जो प्राइसिंग आने वाली है आपको 3500 रुपीज है, तो डेफिनेटली रगेड वॉच के हिसाब से इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इवन की कॉलिंग प्लस डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है इसका, कंप्लीट फीचर एक बैलेंस वॉच इसको बना देता है, तो डेफिनेटली इसको जाके आप ले सकते हो। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग, तो आप चेकआउट कर लेना, और उसी लिंक पे क्लिक कर खरीदना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।